महेंद्र सुनार ने जनसंपर्क किया। भाई साहब आपका क्या नाम है और किस बात से आप सन्यासी के मित्र हैं और जो भाजपा ने आपको टिकट दी है उसके लिए क्या किस तरह का कंपनी लगा है? मेरा नाम महेंद्र सिंह और सुनार है, वार्ड नंबर 3 का प्रत्याशी हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे टिकट दी है मैं उस पार्टी का आभार व्यक्त करता हूँ और पार्टी के हित के लिए मैं पार्टी में अपने वार्ड के लिए वार्ड में सबसे अच्छा विकास कार्य करूँगा। इससे पहले जो पार्षद रह चुके हैं उन्होंने हमारे वार्ड में कोई विकास कार्य नहीं किया है। मैं अपनी पार्टी के लिए विकास कार्य इसके तहत करूँगा कि हमारे विकास कार्य को देखकर हमारे वार्ड की जनता बहुत प्रसन्न और खुश होगी, हमारी पार्टी की तारीफ करेगी, जिससे कि हमें आने वाले वक्त में 2024 के लिए हमें उसका बेनिफिट मिलेगा। आपने जनसंपर्क किया, कई दिन से जनसंपर्क कर रहे हैं अपने समर्थकों के साथ, तो वार्ड नंबर 3 की जनता का वोटरों का किस तरह से आपका उत्साह है? बहुत अच्छा उत्साह मिला हुआ है। हमारे वार्ड की जनता मोदी जी का नाम लेती है और कहती है कि मोदी जी ने हम गरीबों के लिए आवास बनवाए, हम गरीबों को राशन मिल रहा है और जितनी प्रशंसा की जाए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की उतनी प्रशंसा कम ही होगी। आप पार्टी में कितने दिन से भाजपा में? मैं पार्टी में 15 साल से कार्य कर रहा हूं और पार्टी ने मुझे जो टिकट दिया है मैं अपनी पार्टी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और पार्टी के आभार व्यक्त करने के साथ साथ इस पार्टी का नाम रोशन करने के लिए मैं अपने बाहर से बहुत अच्छी जीत देकर पार्टी की झोली में डालूंगा। आप पार्टी के प्रत्याशी भाजपा के, तो सरकार की आपकी पार्टी के सरकार की भाजपा की सरकार की कल्याणकारी योजना है, अगर वार्ड नंबर 3 की जनता जिता के भेजती है आपको नगर निगम में, तो पहला कदम क्या हुआ जन कल्याणकारी योजना? जन कल्याणकारी योजना के अंतर्गत मैं अपने वार्ड में जो विकास कार्य नहीं हुए हैं उस विकास कार्य को बड़ी तेजी से बड़े अच्छी तत्परता से कराऊंगा और जो हमारे वार्ड की जो कंप्लेंट है उन कंप्लेंटों को सॉल्व करते हुए विकास कार्य कराते हुए हर अपने वार्ड की जनता का जो भी समस्या होगी उस समस्या को हल करने का काम करूंगा। हमारी समाचार 24 न्यूज की टीम ने सर्वे किया है तो कई जगह ऐसे गड्ढे मिले, सड़कें टूटी मिली हुई, जनता का ये कहना है कि पिछले 5 वर्षों में हमने आज तक पार्षद अपने आने देखे, उसके वजह से क्या कहेंगे? माननीय महोदय मैं आपके 24 समाचार के लिए मैं बड़ा आभारी हूँ, आप सर्वे कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। आपने देखा हो 5 साल